दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। वो कहानियां केवल एक माइथोलॉजी या हिस्ट्री नहीं, वो कहानियां शायद इस मकसद से भी लिखी गई थी कि वो हमें हमारे जीवन का आध्यात्म, हमारे जीवन का मकसद और हमारे जीवन में छोटी और बड़ी बातों को सिखा सके। ऐसी एक कहानी है अष्टवक्रा नाम के एक साधु की। मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी जिसका नाम है जनका और अष्टवक्रा। जनका हम इसको अपने हिंदी में बोलते हैं जनक, राजा जनक जो सीता माता के पिता थे। तो अष्टवक्रा की जो कहानी है मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आज की वीडियो में। इनके पिताजी का नाम था कहोदा और ये अरुणी नाम के एक संत हुआ करते थे, साधु हुआ करते थे, जिनका एक आश्रम था। वहाँ पर ये उनके यहाँ वैदिक विद्या ले रहे थे। वहीं संत अरुणी के जो आश्रम था उनकी बेटी सुजाता भी वहीं पर उनसे वैदिक विद्या ले रही थी। कहोदा और अरुणी के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ और उन्होंने वहाँ पर विवाह किया। कहोदा वेदों में बहुत होशियार थे, बहुत कुछ जानते थे और वो अक्सर वेदों का उच्चारण किया करते थे। जब सुजाता प्रेग्नेंट हुई, उनके वूम में उनका बच्चा था, वो लगातार उन वेदों को सुना करता था और वो उन वेदों को सुन सुनकर एक परितत्व हो चुका था, बहुत होशियार हो चुका था और एक एक वेदों को बहुत अच्छे से समझता था। ऐसे में एक बार जब संत कहोदा वेदों का उच्चारण कर रहे थे तो उनसे कहीं कुछ गलती हुई और कहानियों में कहा जाता है कि उस बालक ने अपनी माँ की वूम में से, अपनी माँ के पेट में से कहोदा की वो गलती पकड़ ली और उनको वो बता दिया। कहोदा इस बात से बहुत नाराज़ हुए। उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि जो बालक पैदा नहीं हुआ है वो अपनी माँ के पेट में से मेरी गलती बता रहा है, वो भी वेदों की जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। वो नाराज़ हुए और उन्होंने उस बालक को अपनी माता के पेट में ही श्राप दिया कि तुम अलग अलग एबनॉर्मलिटीज से पैदा होगे। उसके बाद कहोदा अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए जनक राजा के यहाँ गए। जनक उस समय राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं जाके राजा को अपने वेदों का ज्ञान बताऊंगा और मुझे कुछ पैसों का, कुछ धन की प्राप्ति होगी। जब जनक के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर वंदिन नाम के जो एक और उनके बहुत बड़े संत थे जो राजा जनक के यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आपस में डिबेट होगा, अगर जीत जाओगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो कहोदा और वंदिन के बीच में वहाँ पर एक डिबेट हुआ, एक काफ़ी लंबा डिबेट चला जिसमें कहोदा हार गए और हारने के बाद उनको सजा दे दी गई कि उनको नदी में डुबो दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। और कहोदा को नदी में डुबो के मार दिया गया। ये बात जब सुजाता को पता चली तो सुजाता ने सोचा कि ये बात मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बताऊँगी और उसको अरुणी के आश्रम में ही रखूँगी और वहीं पर वेदों का ज्ञान दूँगी। ऐसे उनका पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अष्टवक्रा, क्योंकि उनमें 8 डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ थी। उनकी बॉडी फिजिकली हैंडीकैप थी, बहुत सारी उनमें एबनॉर्मलिटीज़ थी जो 8 डिफरेंट टाइप की थी, इसलिए उनका नाम अष्टवक्रा रखा गया। अष्टवक्रा अरुणी के साथ, सुजाता के साथ वेदों का इतना ज्ञान ले चुके थे कि अपने आप में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बन चुके थे। अब ये जो बुक है जनक और अष्टवक्रा, ये इसी कहानी के बारे में है, पर इस कहानी से ज़्यादा वो यही बताती है कि जनक राजा जो थे उनके जो उनका पूरा साम्राज्य था उस पर कैसे वॉर का डर मंडरा रहा था, लगातार पड़ोसी देश उन पर हमला करने वाला था। सीता के स्वयंवर के लिए उन्होंने 2 बार प्रयास करे और कोई भी राजा पहुंच नहीं पाया क्योंकि उन पर आक्रमण होने वाला था, या अगल बगल के जो लोग उन पर आक्रमण करना चाहते थे वो कैसे उन लोगों को रोक दिया करते थे। राजा जनक इस बात से काफ़ी परेशान थे और राजा जनक को ही कुछ स्वप्न आते हैं, कुछ सपने आते हैं जिनसे वो बहुत विचलित हो जाते हैं। वो अपने महल के, अपने राज दरबार के सारे बड़े बड़े संतों को बुलाते हैं उस सपने का, उस स्वप्न का मतलब ढूंढने के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि उनके ऊपर कौन सी विपदा आने वाली है, उनके राज्य के ऊपर कौन सी विपदा आने वाली है। पर कोई भी संत उनको वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे थे।
ऐसे में राजा जनक बहुत बड़ा वो रखते हैं कि भाई जो संत आके मुझे इसके बारे में बताएगा, इस स्वप्न को समझा सकेगा, मैं उसको बहुत सारे इनाम दूंगा, गाय दूंगा और भी धन प्राप्ति दूंगा, बहुत कुछ दूंगा। अष्टवक्रा अपनी माता से कहते हैं कि वो राजा जनक के दरबार में जाएंगे और फिर से वंदन के साथ वंदन के साथ डिबेट करेंगे ताकि अपने पिताजी का वो जो उनके साथ हुआ है उसको जान सके। हालांकि सुजाता अष्टवक्रा को रोकती हैं, वो नहीं चाहती कि वो जाए वहाँ पे, जैसे कि उनके पति कहोदा वहाँ गए और फिर कभी वापस नहीं आए, वो नहीं चाहती थी कि अष्टवक्रा भी वहाँ जाए और फिर कभी वापस ना आए। पर अरुणी बोलते हैं कि अष्टवक्रा में एक अलग ज्ञान है, वो बहुत होशियार हैं और इसलिए उनको वहाँ भेजना चाहिए और वो अपने जीवन का लक्ष्य अपने स्वयं तय करेंगे। अष्टवक्रा वहाँ जाते हैं, राजा जनक को वो उनके स्वप्न का काफ़ी जवाब देते हैं और होता यह है कि राजा जनक जो हैं वो अष्टवक्रा पे काफ़ी विश्वास करने लगते हैं और इस पूरी जर्नी में अष्टवक्रा राजा जनक को मेडिटेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक और कैसे अपनी बॉडी को हील करना है, कैसे अपनी ब्रेथ को फील करना है, कैसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और काफ़ी अच्छी बातें सिखाते हैं जो आज के हम मॉडर्न युग में माइंडफुलनेस टेक्निक और कई चीज़ों की बात करते हैं, वो अष्टवक्रा ने राजा जनक को सिखाई। उससे हुआ ये कि राजा जनक एक शांत स्वभाव के राजा बने। उन्होंने उन्हीं युद्धों को जो उन पर होने के लिए मंडरा रहे थे, उन युद्धों को बिना युद्ध करे कैसे टाला, वो सब इस बुक में दर्शाया गया है। कैसे अष्टवक्रा की उन सब टेक्निक से राजा जनक ने उस होने वाले युद्ध को टाल दिया। कहानी में अष्टवक्रा और वंदन के बीच डिबेट होता है जिसमें कि वंदन हार जाते हैं और फिर प्रोसेस के हिसाब से वंदन को भी पानी में डुबो देना चाहिए था, पर वंदन उस समय बताते हैं कि वो वरुण के बेटे हैं और एक वरुण जो हैं 12 साल का एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्हें बहुत सारे ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, इसीलिए जो भी ब्राह्मण को नदी में डुबोया गया वो सब उस यज्ञ में शामिल हो, और क्योंकि अब वो यज्ञ संपन्न हो चुका है इसलिए वो ब्राह्मण सब वापस आ जाएंगे। और ऐसे करके कहोदा जो कि अष्टवक्रा के पिताजी थे वो भी वापस आ जाते हैं। कहोदा ये देखकर कि उनके बेटे ने इतनी समझदारी से, सूझबूझ से, इतने ज्ञान से उनको वापस लेके आए हैं, वो उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जब वो सब करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे होते हैं उस समय समनगा नदी में वो अष्टवक्रा से कहते हैं एक डुबकी लेने के लिए। अष्टवक्रा अपने पिताजी के बात को टालते नहीं हैं और जाके समनगा जो नदी है उसमें वो डुबकी लेते हैं और जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनकी जो 8 प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ थी वो सारी की सारी सही हो जाती हैं। ये तो कहानी थी अष्टवक्रा की। अब मैं बात करता हूँ इस किताब की, जनक और अष्टवक्रा, जो कि लिखी है अशरफ कार्याथन, पब्लिश बाय रूपा पब्लिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये केवल अष्टवक्रा की कहानी नहीं बताता, केवल जनक की कहानी नहीं बताता, ये किताब हमको बताती है कि कैसे जनक और अष्टवक्रा मिलके हमको जीवन जीने की टेक्निक सिखाते हैं। आपने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी होंगी जहाँ पे मोटिवेशन की बात होती है, माइंडफुल टेक्निक की बात होती है, अलग अलग प्रकार के आपको मोटिवेट किया जाता है। ये एक ऐसी यूनिक बुक है जो कि आपको एक कहानी सुनाती है, पर उस कहानी में कैसे राजा जनक अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं, कैसे सीता माता के स्वयंवर के लिए तैयारियाँ होती हैं और कैसे सीता माता भी अपने जनक को मोटिवेट करती हैं इस बात को मन में रखते हुए भी कि राम उनके लिए आने वाले हैं, सब पूरी कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी बन जाती है। जब आप इसके डीप सोल में जाते हो, आप इसके अंतर जाते हो, आपको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध जो हो सकता था कैसे सिंपल टेक्निक से, मोटिवेशन से, मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस टेक्निक से, स्ट्रेस फ्री रहकर, प्रेजेंट के मोमेंट में रह के उस वॉर को टाला जा सकता है। ब्यूटीफुली रिटन बुक, क्योंकि हर चैप्टर में आप कुछ नया सोचते हो। आप हर चैप्टर में कहानी को भले आगे बढ़ते ना देखोगे पर आपको लगेगा कि आपने हर चैप्टर में कुछ नया सीखा। आप धीरे 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 आप एक फुल्ली मोटिवेशनल बुक में कन्वर्ट हो जाती है। कहानी बहुत छोटी है अष्टवक्रा और जनक की, पर बहुत कुछ सिखाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए परचेज करिए। छोटी सी बुक है, आपको बहुत मोटिवेशन देगी और छोटी छोटी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने में मदद करेगी। सो थैंक यू वेरी मच और बने रहिए हमारे शो में बुक्स एंड थ्योरीज।